तीन फुट तक ऊंचे और 6 फुट तक लंबे होते हैं। अगर आप चीता का फेस देखोगे ना, उसमें आपको व्हाइटिश व्हाइटिश जो है ना लकीरें। अबे क्या कर रहा है उतार? हेल्प करेगा? वो भी क्या? मगरमच्छ मरा हुआ? मगरमच्छ मरा नहीं हुआ, बच्चे के बाल पकड़े तो सारे काट दिए, छुड़वाया था। फिर अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अली खानपुरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बावलपुर चिड़ियाघर के बाहर और ये जो है ना टिकट ली है, तो अब चलते हैं अंदर और मैं दिखाता हूँ आपको अंदर का व्यू। अब मैं अंदर आ गया हूँ और अंदर आने के बाद जो है सामने एक नोटिस देख सकते हैं आप, इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ इन्होंने एक इसके साथ ही एक मैप देखने को मिलता है हमें चिड़ियाघर का, आप इसको भी जो है ना पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। जो है ना बावलपुर का अगर आपको बताऊँ तो बावलपुर जो है कि एक प्रिंस स्टेट थी 1955 में। ये जो है ना बावलपुर जो स्टेट था ये पाकिस्तान में अलग हुआ, देख सकते हैं मतलब फैमिलीज़ बैठी हुई हैं, फ्रेंड्स बैठे हुए हैं ग्रुप वाइज। सबसे पहले चलते हैं लाइन के केज पे और देखते हैं कि हमारा जो जंगल का किंग है, जो जंगल का हमारा बादशाह है, वो किधर है। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ लायनेस के केज के साथ और प्राइड में। आपको मैं एक बात बताऊं कि ये जो है ना प्राइड में ये हंट करती है और दूसरे जो इसकी प्राइड के जो मेंबर्स होते हैं, जैसे कि इसके जो कब्ज़ होते हैं, जो मतलब इनके बच्चे होते हैं और जो दूसरे शेर होते हैं, उनको भी ये जो है ना शिकार करके उनको भी खाना खिलाती है। तो मतलब ये इतनी बहादुर है। और जो शेर साहब हैं वो 20 घंटे सोते हैं और जस्ट 4 घंटे मतलब खा लेते हैं या जो है ना टूर फिर लेते हैं। तो ये सीन है। तो जी ये मेल लाइन के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये 3 फुट तक ऊंचे और 6 फुट तक लंबे होते हैं और जो इनका वज़न है वो तकरीबन 300 केजी तक हो सकता है। और ये 20 घंटे सोता है और जस्ट 4 घंटे चहलकदमी या जो है ना शिकार करता है। और जो इनका वज़न है वो तकरीबन 300 केजी तक हो सकता है। और ये 20 घंटे सोता है और जस्ट 4 घंटे चहलकदमी या जो है ना शिकार करता है। आप लोग ये देखो उंगल मारनी इधर नीचे नीचे मारनी फॉलो करना। मैं आपको ये उंगल दिखाता हूँ शेरने का। तो ये डर नहीं लगता भाई आपको? समुंदर के लिए जिगरा चाहिए, आप लोगों के पास जिगरा नहीं, आप लोगों के पास कसम से लवी मैंने शेर तो हाथ लगाया है।
आपने लगाया? हाँ जी मैंने लगाया उधर से शेर पे। तो यार ये कुछ मतलब डर नहीं लगता आपको? यार डरना तो इधर मेरे साथ बात करो, मैं भाई डर नहीं लगता क्योंकि हम इन लोगों के साथ रहते हैं। अच्छा। हम दाना देते हैं इनको, इतना इतना पट देते हैं इंसान का और गधे का। ये हमसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, हम भी करते हैं। अंदर के होने पब्लिक है ना, पब्लिक की वजह से ये निकल आएगा, बाहर निकल आएगा। तो गाइस अभी मैंने जो है ना विजिट किया है अफ्रीकन लाइन का जो है ना केज, तो अब मैं जा रहा हूँ बंगाल टाइगर की तरफ। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ बंगाल टाइगर के बिल्कुल साथ में, और मैं आपको बता दूं कि ये इस वक्त केज में है। अगर ये इस वक्त केज में ना होता तो मैं इसके इतना करीब कभी भी ना पहुंच पाता, और आप यकीन जाने कि अभी भी मुझे डर लग रहा है। तो दिखाते हैं जी आपको थोड़ा ज़ूम करके, पहले यहाँ आपको दिखाते हैं। ये आप पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। देखते हैं जी जो उनकी मदर है वो चहलकदमी कर रही है, आप इसके फेस देख सकते हैं, मतलब ब्राउन स्किन के ऊपर जो है ना ब्लैक धारियां, और इनकी जो टेल है वो बड़ा वाइटर रोल करती है जब ये मतलब जंप लगाते हैं, जब ये भाग रहे होते हैं, देख सकते हैं जी। और अगर ये ज़ू में रखे जाएं या घरों में कहीं रखे जाएं तो इनकी उम्र जंगली हयात की उम्र से 10 साल कम हो जाती है। वैसे अगर इन्होंने ज़िंदा रहना है 25 साल, तो अगर इनको ज़ू में या केज में अगर हम रखेंगे तो इनकी उम्र हो जाएगी 12 से 13 साल। आप देख सकते हैं जी, जो सबसे पहले इसके फेस की बात करें तो इसके फेस पे भी ब्लैक धारियां, ठीक है, बड़ी बड़ी मूछें और साथ में वाइट वाइट निशान है। टेल की बात करें तो टेल इसकी काफ़ी वजनी और जो है ना लंबी है। इसी तरह इसके जो पंजे हैं वो भी जो है काफ़ी बड़े हैं पंजे। तो गाइस मैंने जो है ना अभी जो है बंगाल टाइगर को विज़िट किया है, और अब मैं इस वक्त जा रहा हूँ ब्लैक बियर विज़िट करने। ये जो ज़्यादातर अमेरिका और चीन वगैरह में इधर पाए जाते हैं, और वो मेल होते हैं बियर में, वो मैं आपको बताऊँ कि वो डबल होते हैं फीमेल की नस्बत। और ये यहाँ देखते हैं एशियाटिक बियर, देख सकते हैं आप पॉज करके इसको देख लीजिएगा आप। तो जी ये है ब्राउन बियर, मुझे लगता है इसका फेस उस साइड है। तो गाइस मैं जो है ना काफ़ी वीडियोस बना के आया हूँ, ये अभी भी सो ही रहा है। तो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट केज की जानिब। तो गाइस इस वक्त मैं मौजूद हूँ लेपर्ड के केज के सामने, और आपको दिखाता बड़ा खूबसूरत जानवर है ये वाला। अच्छा आप बताएं चीता और जगुआर में क्या फर्क है? एक ही है ना? इसका फेस देख रहे हैं आप? हाँ। इसके फेस में ना आपको जस्ट डॉट मिलेंगे। हाँ। लेकिन अगर आप चीता का फेस देखोगे ना उसमें आपको वाइटिश वाइटिश जो है ना लकीरें, मतलब थोड़ी सा वाइट फेस मिलेगा और लकीर मिलेगी। लेकिन इसका ऐसा नहीं है, बिल्कुल लकीर नहीं होती, जस्ट डॉट होते हैं इसके फेस पे। और ये जो है ना चीते से ज़्यादा ख़तरनाक है।
गाइस इस वक्त मैं जा रहा हूँ वाइल्ड बोर आप लोगों को दिखाने, और देखें ये जो है ना पाकिस्तान थाईलैंड श्रीलंका के जंगली इलाकों में जो है ना ये पाया जाता है। ये है जी वाइल्ड बोर जंगली सुअर, इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर। मुझे लगता है ये मट्टी बहुत पसंद करता है, अभी इसने जो है ना मट्टी खोदी है और इसके अंदर लेडी है। तो गाइस अब हम जा रहे हैं वुल्फ की तरफ, आपको दिखाते हैं वुल्फ। ये सबसे ज़्यादा कम्युनिकेट करने वाला कि जब ये पुकारता है ऊ करके, जब ये पुकारता है तो ये वाहिद ऐसा जानवर है जो कि सबसे ज़्यादा दूर तक कम्युनिकेट कर सकता है अपनी उस पुकार से, अपने उस धाड़ से। और ये जो है तकरीबन रोज़ पता नहीं कितने किलोमीटर कहते हैं कि ये पैदल चल सकता है। देख रहे हैं जी आप वुल्फ की आंखें, देख सकते हैं ठीक है, ब्राउन और ब्लैक, और इसके कान देख सकते हैं आप ठीक है, इसके जो सबसे ज़्यादा दांत ये देखें पूरे मुंह में इसके दांत होते हैं, बहुत ही खूबसूरत जानवर लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ कैद किया हुआ है हमारे लिए। लगाना तेरे बस की बात नहीं, शेर को हाथ लगाया वो लगा लिया इस तरफ आया हूँ तो उसने फिर फेस उस तरफ कर लिया। चलो इसको बाद में दिखाएंगे। अब ये देखो मंकी, उसे बुला छोटे बच्चे को पीछे पीछे, ओ अरे बेचारा किसी का भी नहीं लेती, आगे भी है छोटा बच्चा का, छोटा बेबी को देखो ना गया, छोटा हां ओ गया ये गया बोलो, वो कहीं पीछे हो जाओ आ गया ये गया क्या मंकी। आप देख सकते हैं जी कितना, मतलब जितने भी ये मॉन्की फैमिली है उसमें ये सबसे बड़ा जो है ना जानवर है। और हाँ भाई ये देखें जी इधर से हाथ मार लेगा ये, बड़ा खतरनाक है ये। और भाई कह रहे हैं मोबाइल पीछे कर लो। हाँ नहीं वो अचानक ना वो कैच लगा पीछे पीछे जो मैंने हम यहाँ कर दे ऐसे देख रहे थे बच्चे को दिखा रहा था, बच्चे के बाल पकड़े तो सारे काट दिए छुड़वाया था। फिर ये देखें जी ये एकदम इसी उसमें बैठा ही है कि मैं हाथ मारूंगा एकदम। की उम्र जी तकरीबन जो है ना 10 से 15 साल होती है, लेकिन हाथ देखें इसके फिंगर, ये देखें इसके फिंगर्स देखें, इसका फेस देखें थोड़ा सा ना मतलब लंबा फेस है इसका ब्लैक शेड में, और बाकी ये सारा ब्राउन है, पूंछ भी इसकी बहुत लंबी है ये देखें इस एंगल। अबे क्या कर रहा है उतार,
बाल पकड़ लिया थोड़ी की नहीं है और मांग रहा है मामू दूर से जरा हाथ में नाखून तो नहीं है यार ये तो ये ना करो बच्ची को यार ये बोर्ड नहीं है वो भी कर दो क्या करो इसे खा रहे उसको जब उसने क्या ना उतना कर जाएंगे मामू आराम से नीचे डालो आराम से डंडो हम दूर है ना डर क्यों लग रहा है हाथ में दो हाथ में हम दूर है चैनल है वो पूरा बंदा ही लग रहा है मामू नीचे थोड़े से चल आ जा ये देख सकते हैं जी हमारे न्यू टिकटॉकर्स टिकटॉक बनाते हुए तो जी हमारे जनरेशन के न्यू टिकटॉकर्स तो एक एक करके बताओ इनोसेंट बॉय इनोसेंट बॉय ये देख सकते हैं जी ये हमारा इनोसेंट बॉय हबीब 2093 इस भाई की भी आप आईडी चेक करिएगा आप तो भाई यहाँ इतने सारे यूट्यूबर्स हमें मिल गए आपकी नहीं है ये मेरे साथ ही बना अच्छा चलो यार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना अली खान तो गाइस अब जो है मैं आ गया हूँ करोलिना डक की तरफ ये देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका खुराक ये देख सकते हैं करोलिना डक नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है खुराक कीड़े मकोड़े सब्जी अनाज आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट कलर का मिक्सचर कितना प्यारा लग रहा है देख सकते हैं जो इसकी चोंच है जो इसकी आँखें हैं जो इसका हेड पे मतलब हेड के साथ जो इससे लकीर ये पीछे तक जा रही है फिर इसकी चेन नेक और शोल्डर्स और फिर जो है इसी तरह इसके ऊपर बहुत बहुत खूबसूरत जो है ना करोलिना डक और अंदर देख सकते हैं आप गाइस चूहे भी फिर रहे हैं वो देखें मतलब कोई भाई हाल ही नहीं है मतलब आप देखें ना कि यही अगर पानी में चूहे मुंह मार दें और इसी में ये तो कितना इन्फेक्शन हो सकता है इनको कितना नुकसान है ये इतना कीमती जानवर चूहे भी फिर रहे हैं साथ कैसा है जी कैसे बहुत अच्छा सही है ये जी बच्चों का चिल आउट देख सकते हैं आप ओ बच्चे चिल चिल कर रहे हैं संडे एंजॉय कर रहे हैं अपना बच्चे संडे एंजॉय कर रहे हैं चलते हैं आगे ये मस्जिद है मदीना मस्जिद देख सकते हैं आप गाइस एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है ठीक है मतलब डिफरेंट फैमिलीज हैं कोई कहीं से आई हुई हैं कोई कहीं से आई हुई हैं और अपना जो है जानवरों को एंजॉय कर रहे हैं काफ़ी बड़ा पार्क है ठीक है और अभी मैं जा रहा हूँ बारहसिंगा केज की तरफ गाइस वो ठहरा हुआ है सामने ये देखें जी उस तरफ ठहरा हुआ है बारहसिंगा गाइस शूट आउट हो रहा है तो गाइस ये है सांबर हिरन बिल्कुल इसकी शेप भी बारहसिंगा जैसी है इसके सींग अगर फंस जाएं तो जब तक वो सींग निकले ना सर से जब दो मेल आपस में लड़ रहे हैं और सींग इसके फंस जाएं तो जब तक
सींग नहीं निकलते तो ये जो है ना जान भी नहीं छूटती। इसकी शेप देख सकते हैं जी आप, सर पे बड़े थे इसके सींग हैं, और जो है इसकी, अच्छा इसकी आंखें देखें ना आप, काफ़ी जो शोरा हजरात हैं वो हिरन की जो आंखों की अपने महबूब के साथ तशबीह देते हैं, गजाल सी आंखें। और इस तरह आप अहमद फराज को पढ़ेंगे या जो दूसरे शोरा हैं या अरबी शोरा हैं जो, या तुर्किश जो शोरा हैं, वो हिरन की आंखों की बड़ी तारीफ़ करते हैं। लेकिन जी ये ऐसा जानवर है जो कि जो है ना ग्रासलैंड में रहता है, और ग्रासलैंड में रहने वाला ये जानवर आप देख सकते हैं यहाँ बेचारा चार दीवारी में कैद है, एक बाउंड्री बनाई हुई है इसके गिर्द में, ये बेचारा कैद है। तो गाइस हमने अपने जो है ना सांबर हिरन या जो है ना वो देखा अभी सांबर हिरन, और अब इसके बाद ये है स्पॉटेड डियर। स्पॉटेड डियर मतलब डॉट वाला जो है ना हिरन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो है ना इसमें छोटे छोटे आपको डॉट्स देखने को मिलेंगे इन हिरन में, और ये तो काफ़ी सारे हैं इधर भाई, काफ़ी सारे हैं इधर देख सकते हैं आप गाइस, ये देखें। और जो है ना खाना खा रहे हैं इस वक्त। अच्छा ये जो सींग वाले हैं ये मेल हैं, और जिनके सरों पे सींग नहीं है ये फीमेल्स हैं, ये देखें जी गाइस। तो भाई ये देखो, ये आपका भाई दिखा रहा है आपको, आप बस वीडियो को लाइक कर दें और जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कर रहे भाई इनको जो है ना इकट्ठे रखा हुआ है, इनको अलग अलग करके नहीं रखा हुआ। और ये एशिया में और इंडिया में जो है ना पाया जाता है, और ये भी बहुत खूबसूरत जानवर है। अच्छा इसकी भी आंखें देखें आप कितनी प्यारी हैं, आंखें देखें, इसका फेस देखें, फिर इसके सींग देखें। अच्छा इसके सींग बहुत प्यारे हैं, जिस तरह एक तो होते हैं ना जिस तरह बकरी वगैरह के होते हैं, इसके उस तरह नहीं है, मतलब काफ़ी स्मूथ सींग है इसके। मैंने आपको ये डॉटेड हिरन दिखाया, अब इसके बाद जो मेरा फेवरेट और सबसे खूबसूरत मुझे हिरन लगता है वो है चिंकारा हिरन। चिंकारा हिरन गाइस इस तरह का हिरन है जो जब वो दौड़ता है तो वो जो है ना जंप लगा लगा के दौड़ता है, और आप देख सकते हैं ये वाला जो डॉटेड, ये वाला जो गाइस डॉटेड हिरन है ना इसमें तो डॉट्स हैं, ठीक है। लेकिन जो चिंकारा हिरन है वो उसका उसका इस तरह नहीं है, मतलब ऊपर उसकी जो बैक है वो ब्राउनी है, और जो उसका मतलब उसकी जो टांगे है, उसका फेस और जो उसका पेट है वो जो है ना वाइटिश में आ जाता है, बहुत ही खूबसूरत और भागने में बहुत ही चुस्त। तो मुझे बहुत पसंद है ये ना हिरन। तो चलिए मैं आपको ये वाला हिरन दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखें, मैं ये सिर्फ इसलिए इनको देख पा रहा हूँ क्योंकि ये इस वक्त इस बाउंड्री में हैं, अदरवाइज़ ये इतने फास्ट होते हैं और इतनी जो है ना लंबी लंबी, इतनी लंबी लंबी ये जंप लगाते हैं जो है ना हम इन्हें ढूंढ भी ना सकें। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कोई सही सही अगर शॉट मिलता है तो। ये देखें जी ये मेल ऑस्ट्रिच, मामा।
ऐसे नहीं ऐसे अंदर दौर लग गया आपने देना लुक एट मी अब तो जी आराम से खाना खा रहा है जी। अच्छा गाइस इसकी गर्दन आप देखें कितनी बड़ी है इसकी गर्दन, और ये एक जो है ना इसको मुर्गा बोलते हैं, शुतर मुर्ग, ऊँट की गर्दन वाला मुर्गा, ठीक है। एक गाइस इसकी जो आईज़ हैं वो भी देखने लायक हैं, और एक जो इसकी जो है ना फीट की जो टॉयज़ हैं, मतलब सिर्फ दो टॉयज़ होती हैं इसकी फीट पे, और आप बैग देखें इसकी, इसके पर देखें, तो गाइज हमने ऑस्ट्रिच देखा। ऑस्ट्रिच के बाद अब हम जा रहे हैं नील गाय की जानिब। आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे जो है ना नील गाय है, ये देखें, देख सकते हैं जी नील गाय, इसका ओरिजिन इंडिया। तो गाइस ये आपको दिखाता हूँ छोटा सा बेबी, ये देखें कौन है, ये नील गाय का छोटा सा बेबी इधर बेचारा बैठा हुआ है चुप करके। तो गाइस मैं अब जो है नील गाय का केज विजिट करके आगे की जानी बढ़ रहा हूँ। देख सकते हैं ये मेरे सामने जो है ना ब्लैक हिरन नर जो है वो तरफ बैठा हुआ है, और ये जो बाकी हैं फीमेल्स, ये देख लें एक नर है और बाकी सारी मादी हैं, एक मेल है इनमें। कुछ करता हूँ आपको आगे से भी दिखाता हूँ इसका फेस, यहाँ से आप देख सकते हैं ब्लैक हिरन का ना, ये देख सकते हैं जी ब्लैक डियर जिसको काला हिरन कहा जाता है, आप देखें इसका फेस। अच्छा जी ये जितना जितना बड़ा होता जाएगा ना उतना उतना जो ये ब्लैक कलर है इसके ऊपर चढ़ता जाएगा, ये वाइट से मतलब बिल्कुल ब्लैक होता जाएगा। वाइल्ड गॉड, ठीक है, इसकी जो तकरीबन शेप है वो ब्लैक डियर से मिलती है, लेकिन इसका जो है मतलब चेस्ट है उस पर जो बाल हैं और जो इसका फेस है और सींग है वो मतलब है इस तरह मारखोर या बकरी की तरह, आप देख सकते हैं जी, लगता बिल्कुल ब्लैक हिरन है लेकिन जो है ना। तो गाइस वीडियोस को लाइक किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जो है ना बने रहें। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ मज़ीद आगे, देख सकते हैं Bye.
वालेकुम गाइस, हम यहाँ पे जू में आए हुए हैं और ये हमारे अली भाई हैं, इनका जो है ब्लॉग बना रहे हैं। आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और फॉलो लाजमी करना है। और इनकी वीडियोस आप देखें, बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह। और हम यहाँ पे देखने आए हैं तो हमारी भाई से मुलाकात हुई है, भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और भाई के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो गाइस, अब जो है ना, मैं अभी ज़ेबरा का केस जो विज़िट करके अब मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, तो फिर वहाँ पे कुछ लोग मिल गए थे और वो समझ रहे थे मैं पता नहीं कितना बड़ा यूट्यूबर, तो सारे पूछने लग गए। मतलब मेरे तकरीबन ना आज मुझे जो है 10 से 15 लोग इस तरह मिले हैं जो कि भाई आपका चैनल कौन सा है और इस तरह। तो फिर मैंने उन्हें बताया तो बहुत खुश हो रहे थे। तो जी, मैं अब ये कहाँ गए हैं परिंदे सारे? कौन सा जानवर सबसे अच्छा लगा है? अच्छा लगता है सारे। फेवरेट कौन सा है? बब्बर शेर। बब्बर शेर, रोहान, अमार के ऊपर जी। ये आपको हम दिखा रहे हैं ब्लैक तीतर। देखें जरा, तो गाइस इस वक्त मैं मौजूद हूँ मगरमच्छ एरिया में। आप देख सकते हैं कि जो है ना, जहाँ क्रोकोडाइल की बायोग्राफी सी इन्होंने बनाई हुई है, बायोग्राफी लिखी हुई है, जिसके अंदर बताई जाती है कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसकी हैबिट, डाइट वगैरह। आप पॉज करके इसको देख सकते हैं। तो अब चलते हैं मगरमच्छ। एक मुझे वो पीछे जो है ना, पीछे वो पंप के साथ मुझे दिखाई दे रहा है, इस तरह लेकर आता हूँ। वो देख सकते हैं आप। वो देखें जी। अच्छा, इनमें क्या होता है इन मगरमच्छों को, कि इनको अपना, इनका कोई डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरह का है कि जब ये कोई चीज़ खाते हैं तो फिर इनको जो है ना, मतलब उसको हज़म करने के लिए पानी से बाहर आना पड़ता है। और कई लोग तो कहते हैं कि जो है ना, ये चार चार पाँच पाँच घंटे इस तरह जो है ना लेटे रहते हैं, मतलब जो है अपना खाना वगैरह हज़म करते रहते हैं। एक ये है और एक इसके साथ ही ये लेटा हुआ, ये देखो। ये देखें जी, और एक इससे थोड़ा सा ही आगे वो देखें, वो आराम कर रहा है जी, अपना खाना हज़म कर रहा है। जो भी उसको खाना वगैरह दिया जाएगा, जो भी उसको खाना वगैरह दिया होगा उसको वो हज़म कर रहा है। रिहाइश की जगह देख लें कैसे रह रहे हैं ये इस तालाब के अंदर। मैंने अभी अभी जो है ना मगरमच्छ वगैरह देखे हैं। मैं आगे जाता हूँ, देखता हूँ कि जो है मुझे देखने को क्या मिलता है। तो थोड़ा सा मैं आगे आया हूँ तो मुझे यहाँ पे वाइट मोर जो है ना देखने को मिला है गाइस, ये देख सकते हैं आप। तो गाइस देख लें आप वाइट प्रिंस मोर, जो कि बहुत ही खूबसूरत, ऊपर प्रिंस की तरह जो है ना ताज सा बना हुआ है इसके जो है ना हेड पे, और बिल्कुल वाइट है। और भाई कैसे हो? आपने देखे जानवर? हाँ। कौन सा जानवर? मगरमच्छ मरा हुआ है। मगरमच्छ मरा नहीं हुआ?
वो जो है ना खाना खाने के बाद ऐसे रेस्ट करते हैं। आपने कौन कौन से जानवर देखे? मैंने यहाँ पर देखा है। कौन सा? क्या? अच्छा, और देखा है। कौन सा अच्छा लगा आपको? लॉयन किंग नहीं देखा आपने अभी? लॉयन किंग नहीं। अच्छा अच्छा, चले तो गाइस देख सकते हैं, अभी हमने ना वाइट प्रिंस मोर देखा है और अब मैं आगे जा रहा हूँ इस तरफ। ये देख सकते हैं आगे मुझे कुछ जो है ना ये, हाँ इन नोट्स आपके साथ शेयर करता हूँ, दिखे हुए मिले हैं कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ बड़े से चिड़िया घर के सामने। ये देखें जी, और ये खूबसूरत फ्लेमिंगो और जो है दूसरे जितने भी हैं बर्ड्स, ये देखें जी का भाई आ गया इधर, और पीछे जो है ना फ्लेमिंगो डक्स और जितने भी किस्म के परिंदे हैं वो सारे जो है ना एक ही सी में बड़ा सा इन्होंने एक बनाया हुआ है। ये देखें भाई, तो गाइज ये था मेरा आज का व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जस्ट इतना कीजिए कि फ्री में वीडियो को लाइक कर दें और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओ भाई, आज का ये था हमारा चिड़ियाघर, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।